परिवार को, अपने आप को, अपनी सेवकाई को, अपने फाइनेंस को खुदावन के सामने समर्पित कर दो अपने हाथों को उठाकर। ऊंची आवाज में और आज जो मेंटरशिप मीटिंग है, फैमिली, अपनी सेवकाई, थाउजेंड्स पास्टर्स जो है वो आज इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर के घर में। आज थाउजेंड्स पास्टर्स हैं जो इस अपने आप को समर्पित करो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में के द्वारा जो अपनी लाइफ, फैमिली, सेवकाई, अपना फाइनेंस, जो कुछ परमेश्वर के हाथों में आप सौंप देंगे वो दया के नीचे, मर्सी के नीचे, ताकत और ग्रेस के नीचे, रोमांटिक के नीचे आ जाए, सुरक्षा के नीचे आएगा। अपने हाथों को उठाकर यहोवा को पुकार, अपने हाथों को उठाकर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को आपके हाथ में समर्पित करता हूं, सौंपता हूं। खुदावन, ऊंची आवाज में उसके मसे के लिए प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठा के। खुदावन, तेरा मसा आज मेरे ऊपर आए, तेरी अनॉइंटिंग आज मुझ पे हो, तेरा अभिषेक आज मुझ पे आए, मैं यहां से सेम वापिस न जाऊं। खुदा बाप, अपने हाथों को उठा के गैर भाषा में मांगो, ऊंची आवाज में,
थैंक यू जीसस बोलते हुए कि एंजल्स आपको टच करेंगे राइट नाउ। हर एक अंधकार की शक्ति जाती रहेगी जब की लाइफ में काम करना चाहते करते, हर वो चीज जो दुख देती, हर वो चीज जो स्ट्रेस देती, परमेश्वर का आत्मा को छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर के साथ प्रार्थना करते, होली गोस होली गोस होली गोस रिलीज कर दो होली गोस फायर आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी सेवकाई के ऊपर, इन चीजों से टच करो अपनी सेवकाई को, टच करो अपनी फैमिली को, टच करो अपनी बॉडी को, टच करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, टच करो टच करो टच करो, मैं टच कर रहा हूं, टच करो अपनी सेवकाई को, सिर्फ टच कर दो अपने लोगों को, टच कर दो इन द नेम ऑफ जीसस, टच करो इन द नेम ऑफ जीसस, द माइट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच करो द माइट नेम ऑफ जीसस, टच करो टच करो लाइफ को, फैमिली को, बॉडी को, सिस्टम को, हर एक अंधकार की शक्ति और उसकी ताकत, शैतान की सारी योजना नाश हो यीशु के नाम में, रिलीज करो होली गोस्ट फायर, रिलीज इट इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का मसा पे आ रहा है, कैच फायर कैच फायर कैच फायर कैच फायर होली गोस्ट, कैच फायर कैच फायर कैच फायर कैच होली गोस्ट फायर, कैच होली गोस्ट फायर, कैच करो होली गोस्ट फायर और सेम ना होगी यीशु के नाम में। नेक्स्ट मीटिंग तुम्हारी होगी गवाही की यीशु मसीह के नाम में। इस मीटिंग में आने से पहले खुदावंद ने मुझसे कहा, मेरे पास्टर्स को, मेरे बच्चों को जाके बोलना, तुम बहुत बड़ी बड़ी चर्चिस को बनाने वाले हो, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने वाले हो। मैं रिलीज करना वो ग्रेस जो प्रोफेटिकली खुदावंद ने कही आपकी लाइफ पर रिलीज करने के लिए। आमीन बोलो और हैरान कर दो लोगों को इन जीसस ने। मैंने कहा आमीन, तुम्हारा हो जाए तो ये ब्लेसिंग तुम्हारी है इन जीसस ने। आपके लाइफ के ऊपर जो प्रोफेटिकली खुदावंद ने मुझसे कहा आज आपको बोलने के लिए, मैं आपकी लाइफ पर उस ग्रेस को रिलीज करता हूं। आप बड़ी बिल्डिंग्स को बनाएंगे खुदावंद की महिमा के लिए और वो एक गढ़ होगी यीशु के सामर्थ्य नाम का, वो गढ़ होगी हीलिंग का यीशु के नाम में, प्रभाव का, ग्रेस का, चैरिटी का, ताकत का, इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा बोलोगे ये तुम्हारी ग्रेस होगी। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का नगर तुम्हारी चर्चिस में वो बैक साइड लोगों को, पीछे हट चुके लोगों को, जो बैक साइड हो गए खुदा वंश से, जो पाप में सिन में चले गए, वो उनको वापिस बुलाएगा। तुम उन लोगों को बचाने वाले होंगे इन जीसस ने। तुम्हें दर्शन आएंगे और सपने आएंगे द माइटी नेम ऑफ जीसस। तुम्हारी कलीसिया में से कंफ्यूजन जाती रहे इन जीसस ने। सारी अंधकार की योजना गिरेगा आत्मा तुम्हारी कलीसियाओं से, तुम्हारी लाइफ से जाता रहे इन जीसस ने। यीशु ने कहा था बी फ्रूटफुल, यहोवा ने कहा था फूलो और फलो। मैं आपके लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, उस फायर से और उस ब्रीथ से और उस सांस से और उस फूक से जो खुदावंद ने आदम के ऊपर फेंकी थी, मैं तुम्हारी लाइफ पर घोषणा करता हूं, इन जीसस नेम बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई, फूलों और फलों और पृथ्वी में भर जाओ यीशु के नाम में। तुम्हारी कलीस क्या फूले और फले इन जीसस ने, तुम्हारे परिवार फूले और फले आमीन। चाहिए बरकत, ये बरकत, ये बरकत तुम्हारी है। ऑफिसर्स पास्टर्स हुए हैं पूरे अलग अलग भारत के अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से, जो लोग
अपनी छाती के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, रिसीव करो फायर को। हर अंधकार की शक्ति, उसकी सारी योजना आपकी लाइफ से आउट है इन जीसस नेम। सारी प्लानिंग्स आउट है इन जीसस नेम। आप चाहते हैं डिलीवर होना, क्योंकि अगले लेवल पे जाने के लिए आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। आपका नेक्स्ट लेवल डिलीवरेंस को मांगता है। आज ये मेंटरशिप मीटिंग नहीं, एक बड़ा क्रूसेड लग रहा है, क्योंकि खुदावंद ने कहा आज की मीटिंग में मैं बोलूं आपको अलग अलग स्टेट से एक ऐसी बेदारी आप देखने वाले जो आपने पहले लाइफ में कभी नहीं देखा। वो आज हमारे बीच में है और परमेश्वर के दास की तरह जो मसा आप बड़ी बड़ी रूहों को बचाने वाले हैं, जिनकी उपस्थिति मायने रखती है आप उनको बचाएंगे जीसस ने। बहुत से बड़े लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग आपको देख रहे हैं जिनको आप नहीं जानते, वो जल्द आपसे मिलेंगे इस मीटिंग के बाद इन जीसस ने। आपने ऊंचे वाला चाहिए, ये बरकत आपकी होगी। अपने हाथों को उठाओ अगले 5 मिनट, याद रखो शैतान बुरा है, बुरा था और रहेगा, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता। उसकी आदत है चुराना, घात करना और नष्ट करना, और जीसस की आदत है देना बहुतायत का जीवन। अपने हाथों को उठा, अगले 15 मिनट हम उस अनॉइंटिंग को मांगेंगे, जो अनॉइंटिंग शैतान को खत्म करे आपकी लाइफ से, उसके कामों को नष्ट करे, उसकी उपस्थिति को न्यूट्रलाइज करे, फिनिश करे, जीरो के मुताबिक कर दे। आप जानते हैं शैतान अभिषेक लोगों से क्यों लड़ता है और वो अभिषेक से नफरत क्यों करता है, क्योंकि वो भी एक अभिषेक था और उसे अभिषेक की वैल्यू मालूम है, उसे अभिषेक क्या करता है इसकी खबर है, अभिषेक कहां लेके जा सकता है उसको ये भी मालूम है, उसको ये भी पता है कि एक अभिषेक व्यक्ति की लाइफ में क्या क्या परमेश्वर करता है और उसकी लाइफ में क्या बड़े काम वो कर सकता है। वो अनस्टॉपेबल है, उसके उसको मालूम है, इसलिए वो रोकता है आपको अभिषेक स्थान में जाने से, अभिषेक लोगों से मिलने से, अभिषेक में बढ़ने से वो आपको रोकने की कोशिश करता है। अगले 15 मिनट अपनी बॉडी को छोड़ देना, मत देखना इधर उधर, सब पास्टर्स बैठे हैं यहां, कोई और नहीं, विश्वासी नहीं, तालियों के साथ नाचते जैसे जैसे भी होली स्पिरिट में बोल रहे हैं। अगले 15 मिनट अपनी बॉडी को खोल के, अपनी होंठ को खोल के प्रार्थना करना, क्योंकि जो अभिषेक तुम रिसीव करके जा रहे हो यहां से, ये लंगड़ों को चलाएगा, बहरों को शक्ति देगा सुनने की। तुम्हारी चर्च में बहरे सुनने शुरू हो जाएंगे, तुम देखोगे इस मीटिंग के बाद बहरे सुनेंगे, तुम देखोगे अंधे देखेंगे, तुम देखोगे खासकर स्पेक्स वाले लोग 10 नंबर 12 नंबर नजर आती है स्पेक्स, तुम देखोगे उनकी स्पेक्स को परमेश्वर किस तरह से खत्म करता है, तुम देखोगे हड्डी के रोगों को निकलते हुए, बहरों को चंगा होते हुए, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद होते हुए इन जीसस ने। अपने हाथों को उठाओ, अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे दास दासी में मेरा आत्मा को उंडेल दूंगा। अपने हाथों को उठा लो, थैंक यू जीसस बोलते हुए। होली गोस्ट, अपने हाथों को उठा के बोलो, पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी लाइफ में, मेरी सेवकाई, मेरे परिवार में, मैं आपका वेलकम करता हूं, वेलकम करती हूं। आज मुझे इतना भरे मैं ओवरफ्लो होंगे वापिस जा, और ये वचन पूरा हो कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज मुझे ओवरफ्लो अनॉइंटिंग दे खुदावन, कैच करो ओवरफ्लो अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। Catch the Holy Ghost anointing overflowing. Catch the fire. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost.
कैच करो फायर, रिसीव दिस अनॉइंटिंग। तुम ओवरफ्लो होने के लिए जा रहे हो, चर्चेस ओवरफ्लो, अनॉइंटिंग ओवरफ्लो, फाइनेंस ओवरफ्लो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कैच फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। मैं देख रहा हूं बहुत से पास्टर्स को अपने विश्वास से लड़ते हुए, लेकिन खुदावंत की ग्रेस से और सिर्फ उसी की दया से आप बने हुए हैं, अपनी वजह से नहीं, क्योंकि खुदावंत का दया का हाथ आप पर था। खुदावंत आपको खींचने के लिए जा रहा और वो आपको थपका देगा सेवकाई के कामों के लिए इतना जबरदस्त, अब अपने आप को वो करता हुआ पाएंगे इन जीसस नेम जो खुदावंत चाहता है। रिसीव करो इस ग्रेस को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आमीन बोलते हुए। ओ कोई पुष्प देखे सूरज हाथ को उठा के सूरत को तेरी देखे, जो कोई पुष्प देखे सूरत को तेरी देखे, जा जाए
याद रखो, शैतान आपकी विष से नहीं जाता, वो एक भीड़ प्राणी है, वो एक भीड़ प्राणी है, ये उसकी नेचर है। राइट ना, अपने हाथों को उठा लो। आप अपने चर्च के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बॉडी, अपनी सेहत के लिए अगले 10 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, शैतान को डांटेंगे गुस्से से, अथॉरिटी से। और आपको मालूम होगा जब आप अथॉरिटी से प्रार्थना करते हैं उसका रिजल्ट आता है। पास्टर्स को प्रार्थना करनी है अकेले में जीसस के सामने हर रोज, रात को या सुबह अर्ली, जिसमें आप अथॉरिटी की प्रार्थना नहीं करते, जिसमें आप जीसस से विनती की प्रार्थना करते हैं, उसके साथ समय को बिताते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं। फिर एक समय आता है जब आप लोगों के सामने होते हैं, तब आप विनती की प्रार्थना नहीं, आप अथॉरिटी की प्रार्थना करते हैं। राइट नाउ मैं अथॉरिटी की प्रेयर करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी लाइफ, फैमिली, ब्लड, आपकी बॉडी के ऊपर जितने अंधकार की शक्तियां अटैक करती हैं, कमांड करो, उन्हें आउट करो इन जीसस ने। लाइफ से, फैमिली से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, नर्वस सिस्टम के ऊपर से, स्पिरिट पर से, फाइनेंस पर से, आउट, आउट, द माइंड ऑफ जीसस, आउट, आउट, कमांड करो यीशु मसीह के नाम में, कमांड करो आउट। वो अंधकार की शक्तियां बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, फैमिली से, चर्च से, बिलीवर से, वॉलंटियर से, आपकी लाइफ से, बॉडी से, स्पिरिट से, सिस्टम से, आउट, 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 कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके यूट्रस में से रसौली को निकलता हुआ देख रहा हूँ, पत्थर को गायब होता हुआ देख रहा हूँ, डिलीवरेंस होता हुआ देख रहा हूँ, शैतान को निकलते हुए देख रहा हूँ। नशे की आत्मा आउट, नशे की आत्मा आउट, जादू की आत्मा आउट, एक्सीडेंट की आत्मा आउट, इन द नेम ऑफ जीसस परिवारों को तोड़ने वाली आत्मा आउट, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस प्रेयर पॉइंट के साथ, कमांडेड, 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 लाइफ से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, आउट, 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आउट, 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 द माइटी नेम ऑफ जीसस, कमांड करो बॉडी, सिस्टम से, अपनी लाइफ से, चर्च से, नशे की आत्मा, गंदगी की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, व्यभिचार चोरी की, निराशा की, आउट, 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में डेविल को डांटते हैं, आपकी लाइफ, फैमिली, बॉडी, सिस्टम से निकल जाने के लिए कमांड करते हैं इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है, अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर मैं प्यासा हूं सुपरनेचुरल अनॉइंटिंग का, दर्शनों के जरिए मुझसे बात कर, सपन के जरिए मुझसे बात कर, मैं प्यासा हूं खुदावंद तेरे काम को करने का, बेदारी को लेके आने का, लाखों करोड़ रूहों को बचाने का, अपनी प्यास को खुदावंद को बताऊं। क्योंकि बाइबल कहती है, उसने कहा अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, वो आत्मिक प्यास की बात कर रहा है। अगर आप प्यासे नहीं तो खुदा आपकी प्यास को नहीं बुझाता, अगर आप बताते नहीं आपको क्या चाहिए, वो आपको नहीं बताता आपको क्या करना है। अगर आप प्यासे हैं तो मांगे अपने हाथों को उठा के परमेश्वर, और अपनी प्यास को बताएं आप क्या चाहते हैं। जिनमें भूख और प्यास नहीं है वो हेल्थी नहीं, जो आत्मिक भूखे और प्यासे नहीं है वो बीमार हो चुके हैं। खुदावंद ने कहा जो तुम धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो तृप्त किए जाओगे, जो भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे।
जिस माँ के सामने बच्चा रोता है उसी के मुंह में दूध की बोतल लगती है। खुदावंद बताओ परमेश्वर आप प्यासे किस काम के लिए? उस बड़ी मेगा चर्च के लिए, अनॉइंटिंग के लिए, रूहों को बचाने के लिए, चैरिटी के लिए, खुदावंद के कामों को करने के लिए, उसके मैसेज को लेकर जाने के लिए आप प्यासे हैं? अपने हाथों को उठाकर मांगे खुदावंद से। बाइबल कहती है वो प्यासों की प्यास को बुझाता, उसे काम में तुम्हें वो जीवन जल दूंगा जिसे पीकर तुम प्यासा नहीं रहेगा, तुम्हें ये पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊंची आवाज में मांग दे खुदावंद में प्यासा मेरी प्यास को बुझाए। आपकी लाइफ सेम नहीं है इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है, आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। सात बार ऊंची आवाज में हालेलुया करना रहेगा उस जोर से। आमें। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमें। मेरा ये बिलीव है, अच्छा हम सब पास्टर्स हैं। ओ गॉड, मैंने सोचा था अगली मीटिंग में करने जाऊंगा शायद मेरा भार कम हो जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ गया। और हम सभी पास्टर्स हैं, ये हजारों लोग